अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अब आपके असेसमेंट शुरू हो चुके हैं, इसलिए आज हम अपने पढ़े हुए असबाक हम पतझर और याराने जहाँ कहते हैं जन्नत है कश्मीर का अदा करेंगे। इन तीनों असबाक के अल्फाज मायने अज़ाद और महावरात की एक दफ़ा फिर दोहराई करेंगे ताकि हम अच्छी तरह याद कर सकें और हम अपना दान बहुत अच्छी तरह दे सकें। तीनों अल्फाज असबाक के अल्फाज मायने यहाँ इकट्ठे करके मैं कुछ दे रही हूँ, लेकिन आपको सब याद करना है दोहराई के लिए। रवा होने का मतलब आप सबको याद होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये याद करने को दे चुकी हूँ। रवा होना चलना, कुन हो जा, सहरा रेगिस्तान, इश्तियाक शोक, खुनकी ठंडक, आबोताब रोशनी या चमक, मुआयना और बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता, आगाज शुरू और इब्तिदा, कुतुब खाना किताबें रखने की जगह। बच्चे ये तीनों सबक के कुछ कुछ अल्फाज हैं, आपने तमाम याद करने, ठीक है। इसके बाद अज़ाद हैं यानी उलट, आगाज अंजाम, आगाज मतलब शुरू करना, आमद यानी आना, रवानगी यानी इस वक्त ट्रेन की आमद का वक्त है और ये रवानगी का वक्त है, इस तरह आपने सुने होंगे जुमले। खुश्क गीला या तर, सर्दी बहुत आसान है, गर्मी मुसर्रत का मतलब है खुशी, तो उसका उलट होगा गमी। घबराहट सुकून, करीब दूर, पतझड़ बहार, पतझड़ कहते हैं मौसम खिजा को जिसमें दरख्तों से सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो इसका उलट होगा मौसम बहार जिसमें सारे नए पत्ते लगते हैं और फूल खिलते हैं। खुशकिस्मत बदकस्मत और ख़ास आम, ये अल्फाज और उनकी ज़िदें। इसके अलावा अगर आप कोई सबक असबाक में और अल्फाज और उनकी ज़िदें तो वो भी आप याद कीजिएगा। इसके बाद है महावरात, पढ़ चुके हैं आपके महावरात। अल्फाज का वो मजमू है जो एक फ़ेल और एक या चंद अल्फाज से मिलकर बनता है। महावरे आमतौर पर फ़ेल अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल नहीं होता, मसलन गम खाना, धोखा खाना, आप दीदा होना, आप इससे बाहर होना। यानी गम खाना या धोखा खाना ऐसी चीज़ें तो नहीं है ना कि जो हम प्लेट में रखी हों और उठा लें खा लें, या कोई फल नहीं है जो तोड़ के खा लें। ये कैफियत का नाम है, बहुत ज़्यादा उसका जब उसको अहमियत दी जाके या उसको ज़ोर दे के बताया जाएगा तो फिर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिन्हें हम महावरात कहते हैं। महावरात की आपकी किताब में भी इसकी तारीफ है, सफ़ा नंबर है ये 109। ये तारीफ़ अच्छी तरह पढ़िए, उसके बाद ये जुमले हैं, मुराद बर आना, रखते सफ़ा जाना, लक़्मे आना, मूसा मानना, ये आप इनके जुमले बना चुके हैं, इसलिए इनके मायने भी आपको बहुत अच्छी तरह आते होंगे। ये सारे महावरात हैं, आप अपने मियाँ मुँह मिट्टू बनना, अपनी तारीफ खुद करना, टसवे बहाना, रोना, सब्जाक दिखाना, धोखा देना या बेवकूफ़ बनना, ये भी आप याद कर चुके हैं, और अगर याद नहीं किए हैं तो अब याद कर लीजिएगा। ख़ास तौर पर ये महावरात मैं आपको कुछ दे रही हूँ, इनको भी आपने आज का काम ये कि आज आप ये याद कर लेंगे। दिल बाग बाग होना, नाक में दम करना, दिल बाग बाग होना बहुत खुश होना, नाक में दम करना शोर करना, जाना लक में आना डर जाना, दिल जोय करना किसी कोई दास है कोई गमगीन है उसका दिल बहलाना, और सब साख दिखाना किसी को धोखा देना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप अच्छी तरह तैयारी कीजिए इसकी, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप सब कुछ याद कर चुके हैं, कॉपी में काम कर चुके हैं। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक।